हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप यू आर वेल। टुडे वी डिस्कस मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास फिफ्थ। ओपन योर बुक। द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर्स। बेसिकली हम नंबर्स के बारे में क्या क्या नंबर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर अप टू 5 डिजिट्स, एक्सटेंशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए नंबर, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर अप टू 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स तक हम नंबर्स का किस तरीके से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर अप टू 5 डिजिट्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड अबाउट नंबर अप टू 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स तक हमने नंबर्स को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। ठीक है, 4 डिजिट्स का जो लार्जेस्ट नंबर होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, 9999। अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाता है। तो इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर बन गया। तो नंबर 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कहेंगे। ऐसे ही फिर वी रीड इज एट 10,000 इसे हम पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, फॉर्म्स होती हैं। एक तो होता है वंस, फिर होता है 10 वंस, फिर होता है 100 वंस, फिर होता है 1,000 वंस, फिर होता है 1 टेंस, फिर होता है 100 टू 1,000। तो 1 टेंस का मतलब होता है 10 वंस, 100 का मतलब होता है 10 वंस, और 1,000 का मतलब होता है 10,000। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें आपके पास हैं जो आपके पास नंबर्स को आपको समझने के लिए बहुत यूजेस में आएगी। तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि नंबर्स में वंस कौन सा होता है, टेंस कौन सा होता है, 100 कौन सा होता है, 1,000 कौन सा होता है। तो इस तरीके से हम नंबर्स में पता करेंगे कि वंस में क्या आता है, टेंस वन में क्या आता है, 100 वंस में क्या आता है, 1,000 वन में मत क्या आता है। तो वंस में ऑनली 1 आता है, 10 वंस में 10 आता है, 100 वंस में 100 आता है, 1,000 वंस में 1,000 आता है। ठीक है, तो नाउ समराइज अबाउट 10,000। 10,000 का मतलब है 10 × 1,000 मीन्स 10,000। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपके पास आपको लिखना है 10 × 10 × 100। इसका मीन्स क्या है, 100 हंड्रेड्स। ठीक है, 10 × 10 100, फिर 100s, तो 100 हंड्रेड्स। 10 × 10 × 10 tens, यानी 1,000 tens है इसमें। 10 × 10 × 10 × 10 मीन्स इसमें 10,000 क्या है, वंस है, क्योंकि इसमें बोला है वंस। अब आपको नंबर को कैसे फॉर्म करना है, फॉर्मिंग ऑफ ए नंबर, कि नंबर की फॉर्मिंग कैसे की जाती है। जैसे आपको एक गेम खेला गया है, आपके साथ एक गेम प्रेजेंट किया गया है आपके पास, जो आपको सिंबल बताए गए, वंस का सिंबल ये है, 10 का सिंबल ये है, 1 टेंस स्टार बना रखा है, 100 हंड्रेड्स ये समथिंग, एक ऐसा सिंबल है 1,000, और एक सिंबल है 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एक तो वंस स्टार है एंड 1 ये समथिंग ये साइन है, तो आप जब इनको ऐड करते हो तो वैल्यू क्या आती है, इनका एडिशन क्या हुआ है। तो इस स्टार को और इसको आपने जब ऐड किया, तो मींस 100 + 1,000 को आपने ऐड किया, तो 1,100 आया हमारे पास, क्योंकि हम बेसिक जब एडिशन करेंगे, 1,000 को जब 100 के साथ ऐड किया जाता है तो 1,100 आ गया। 5 फिर ये सिंबल ये वाला, फिर 4 फिर ये वाला सिंबल, फिर एंड 5 ये वाला सिंबल, इन सबको ऐड करना है। तो 5 आपके पास ये वाला सिंबल है, 10,000 मीन्स 5 × 10 तो क्या होगा, 50,000 प्लस 4 और आपका ये कितना है, ये वाला ये है 100, तो 4 × 100 + 5 तो ये हो गया 50,400 + 5 तो मीन्स 50,405। इसी तरीके से आपको ये टेबल में और इसको आपको लर्न करना है, इसी फॉर्म में ये वाले आपको लिखने हैं। ठीक है, देन आपके पास 10 places, 100 places की टेबल्स गिवन है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स आपको क्या करना है, नंबर की एक्सटेंशन किस बेसिस पे की जाती है उसको देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है कॉमास की,
इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमास एंड पीरियड। ठीक है, आपके पास जैसे ये आपको 10,000 गिवन है, 10,000 में ये आपकी वंस डिजिट, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1,000 होता है, ये 10,000 होता है, इस तरीके से हम इसे रीड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 85240, तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये तो ये आपके पास वंस है, ये टेंस है, ये टू आपके पास क्या है 100 है, ये फाइव आपके पास क्या है 1,000 है, और ये क्या है 8 क्या है 10,000 की फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे हम, इसको ये 85240 को कैसे रीड करेंगे, 85,240 इस तरीके से हम इसे रीड करते हैं, क्योंकि बेसिक अप्रोच हमने यहाँ से देख लिया है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 80,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 0, तो वंस प्लेसेस पे 0, 10 प्लेसेस पे 10 आ गया 4 से मल्टीप्लाई होके, 100 प्लेसेस पे 100 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1,000 प्लेसेस पे 1,000 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और 10,000 प्लेसेस पे 10,000 8 से मल्टीप्लाई हो गया इस तरीके से। तो 58,845 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 5, तो वंस प्लेसेस पे आपके 5 आ गया, और टेंस प्लेसेस पे आपका 4 इंटू 10 आ गया, और आपका 100 प्लेसेस पे क्या आ गया 100 इंटू 8, और ये आ गया आपका 1,000 इंटू 8, और ये आ गया आपका 5 इंटू 10,000। तो इस तरीके से हम क्या है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि उसकी एक्सटेंशन बताते हैं कि किस तरीके से हम इसकी एक्सटेंशन को लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ऐसा ही किया गया है, 50,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 30 प्लस 2, इसका मतलब है वंस प्लेसेस पे 2 आएगा, और 10 प्लेसेस पे क्या आएगा, 10 प्लेसेस पे आएगा आपका 30। ठीक है, और फिर 100 प्लेसेस पे 00 आ जाएगा, क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और ये 1,000 प्लेसेस पे आ जाएगा, लेकिन 10,000 प्लेसेस पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ था 50,000 32 है, इसलिए बीच के जो डिजिट्स हैं उन्हें क्या है 00 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया सकता है, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 8, इस तरीके से हम नंबर्स को क्या करते हैं अरेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये डू एंड लर्न वाली चीज़ें गिवन है, इन चीज़ों को आपको देखना है, और ये आप जो पढ़ाया गया है इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।